तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैपजिमिनी, एचसीएल, विप्रो, असेंचर, एचपी, ये सर्विस डेस्क प्रोफाइल में कितनी सैलरी देते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त, जॉब आपको दो तरीके से मिलती है, दो बेस पे एक्चुअली मिलती है, पहली फ्रेशर, दूसरा एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो ना, अपना एक जनरल और एक अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कंपनी का अपना, हर कंपनी के लिए एक अपनी एक अलग प्रोफाइल होती है, अपना एक अलग टास्क होता है, अपना एक अलग काम होता है, और सैलरी, हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर वो अलग अलग होता है। एचसीएल का अलग होगा, विप्रो का अलग होगा, कैपजिमिनी का अलग होगा, जितने भी अपने में एमएनसी ब्रांड है या स्मॉल ब्रांड है, तो सबका अपना जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हायरार्की होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लगभग ऑलमोस्ट फॉलो सब एक जैसे करते हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें कुछ अलग होती हैं। अब रही बात यहाँ पे कैपजिमिनी या कोई भी ब्रांड हो, मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल में पहले तो कुछ 10-12 से स्टार्टिंग आपको मिलती थी, लेकिन अभी 15 से 25 के आसपास हो गया है। सर्विस डेस्क प्रोफाइल के लिए आपको 15 के आसपास सैलरी आराम से मिल जाएगी। अगर उसी में सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग प्रोसेस है ना, तो आपको 20 से 25 मिल जाएगा सिर्फ कॉलिंग प्रोसेस में, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में ये होता है ना, जब आप किसी कॉलिंग प्रोसेस के लिए जाते हो, जब आप कॉलिंग प्रोसेस के लिए होता है, तो इसके बाद में कॉलिंग प्रोसेस कोई सा भी हो, मैं कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आईटी की बात कर रहा हूँ। आईटी में अगर कॉलिंग सेंटर में जाते हो ना, जैसे कि टेक्निकल प्रोफाइल की कॉलर सर्विस प्रोफाइल हो गई या चैट प्रोसेस हो गया, तो ये प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं कंपनीज के लिए ना, इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है, क्योंकि वो मोस्टली कंपनी ना यूके बेस्ड होती हैं, वो आईटी के लिए, चैट प्रोसेस के लिए या कॉलिंग प्रोसेस के लिए या सर्विस डेस्क प्रोफाइल के लिए। तो अगर कॉलिंग प्रोसेस के लिए जाते हो तो आप मान लो 20-25 तक आराम से मिल जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे नॉलेज है अभी तक एमएनसी का। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि सर्विस डेस्क प्रोफाइल वो होती है जो टिकट्स वगैरह पे काम करते हैं, जो टिकटिंग टूल पे काम करते हैं, अगर उसमें जा रहे हो तो 15 से 20 आपको आराम से मिल जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर सीधा से बोलूँ, मैं सर्विस डेस्क प्रोफाइल के लिए एमएनसीज कंपनी में आपको मिनिमम 15,000 की सैलरी आराम से मिल जाएगी, बाकी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको दो बेस पे मिलती है, तो मैं दूसरा यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ एक्सपीरियंस बेस। अब देखो, सर्विस डेस्क में भी प्रोफाइल्स होती है ना, आप एग्जीक्यूटिव पे हुए, फिर उसके ऊपर गए, फिर टीएल बने, फिर मैनेजर बने, फिर हेड बने, सिर्फ सर्विस डेस्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप एक्सपीरियंस बेस पे जाते हो, सपोज 30,000 रुपये सैलरी अभी आपकी सर्विस डेस्क पे, आप स्विच करके उसमें सर्विस डेस्क की प्रोफाइल पे गए, तब भी आपको मान लो 40-45 के आसपास मिल जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि 25% हाइक मिलता है कई बार, 30%, कई बार लोगों को 50% हाइक मिल जाता है करंट सैलरी में, कई बार 100% हाइक मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का बजट क्या है, उस कंपनी आपको देना कितना चाहती है, और आपने इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।